नमस्कार, आप देख रहे हैं पहाड़ टीवी और मैं हूं आपके साथ स्मिता पटवार। चलिए देखते हैं उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरें, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री धामी और निशंक से दो निर्दलीय प्रत्याशियों के मिलने की चर्चाओं ने पकड़ा जोर। कांग्रेस को विधायकों की खरीद फरोख्त का डर, जीते हुए विधायकों को कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में किया जा सकता है शिफ्ट। खटीमा में अनियंत्रित होकर तालाब में गिरी कार, स्थानीय लोगों ने बचाई सवारों की जान। मालिक के पैसों पर दो भाइयों ने किया हादसा, 2 लाख रुपए लेकर हुए फरार। हल्द्वानी में शिकारियों के बिछाए फंदे में फंसा गुलदार, वन विभाग ने किया रेस्क्यू। कालाडुंगी में खनन माफिया के खिलाफ हुआ मुकदमा दर्ज, ग्रामीणों ने डराने धमकाने का लगाया आरोप। विधानसभा चुनाव में भाजपा बेशक पूर्ण बहुमत मिलने का दावा कर रही है, लेकिन अंदरखाने उसकी जोर तोड़ से सरकार बनाने की भी तैयारी चल रही है। सियासी हलकों में ये चर्चा खासी गर्म है कि जिताऊ माने जाने वाले दो निर्दलीय प्रत्याशियों ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी और पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक से मुलाकात की है, जबकि एक निर्दलीय प्रत्याशी ने मुलाकात की पुष्टि भी की है। जोड़ तोड़ की राजनीति में माहिर माने जाने वाले भाजपा के राष्ट्रीय महामंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने भी देहरादून में डेरा जमा लिया है। उनके देहरादून पहुंचने के बाद से कांग्रेस के भीतर खासी खलबली है। पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत से लेकर कांग्रेस के अन्य नेताओं ने कैलाश विजयवर्गीय की सक्रियता पर शंकाएं जाहिर की है। सोमवार को कैलाश विजयवर्गीय की मौजूदगी में भाजपा दिग्गजों की कई दौरे की बैठक हुई। इस बैठकों में क्या हुआ ये रहस्य है, लेकिन इन गुप्त मंत्रणाओं के बाद ही उन प्रत्याशियों से संपर्क साधना शुरू हो गया जिनके चुनाव में जीतने की संभावनाएं अधिक हैं। इनमें यमुनोत्री से निर्दलीय चुनाव लड़े संजय डोभाल का नाम सुर्खियों में है। डोभाल पूर्व केंद्रीय मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल निशंक के संपर्क में बताए जा रहे हैं। जानकारी के मुताबिक डोभाल भी एक मुलाकात मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से भी कर चुके हैं। डोभाल ने पुष्टि की कि उनकी भाजपा नेताओं से मुलाकात हुई। इसी तरह एक और निर्दलीय प्रत्याशी की भी सीएम धामी और डॉक्टर निशंक से मुलाकात की चर्चा है। एक क्षेत्रीय दल के प्रत्याशी भी भाजपा के केंद्रीय और प्रांतीय नेताओं के संपर्क में बताए जा रहे हैं। माना जा रहा है कि भाजपा सरकार बनाने का कोई मौका गंवाना नहीं चाहती, न ही वो 2012 के विधानसभा चुनाव की चूक को दोहराना चाहती है। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को बहुमत न मिलने की स्थिति में जोर तोड़ की चर्चाओं के बीच कांग्रेस सतर्क हो गई है। गोवा से सबक लेते हुए पार्टी मतगणना के तुरंत बाद अपने विधायकों को कांग्रेस शासित राज्यों राजस्थान या छत्तीसगढ़ में शिफ्ट कर सकती है। गोवा में हुए विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उभरने के बावजूद कांग्रेस वहां अपनी सरकार बनाने में विफल रही थी। ऐसे में इस बार पार्टी कोई रिस्क नहीं लेना चाहती है। मतगणना से पूर्व देहरादून के एक होटल में कांग्रेस का वार रूम सक्रिय हो गया है। मंगलवार को पार्टी नेताओं का बंद कमरे में बैठकों का दौर चला तो बाहर मीडिया का जमावड़ा लग गया। पार्टी अध्यक्ष गणेश गोदियाल ने 42 से 45 सीटें जीतने का दावा किया तो दूसरे नेता भी इस आंकड़े के आसपास रहे, लेकिन सूत्रों के मुताबिक पार्टी खंडित जनादेश को लेकर भी घबराई हुई है। वो ऐसी स्थिति के लिए वक्त से पहले सचेत हो जाना चाहती है, इसलिए मतगणना के लिए विशेष रणनीति बनाई गई है। मतगणना के दिन हर पोलिंग स्टेशन पर कांग्रेस का एक केंद्रीय पर्यवेक्षक तैनात रहेगा। पर्यवेक्षक की जिम्मेदारी होगी कि वो मतगणना के दौरान प्रत्याशी की सहायता करे, आवश्यकता पड़ने पर प्रदेश और राष्ट्रीय नेतृत्व की सहायता ले। चुनाव नतीजे आने के बाद जीते हुए विधायक पर्यवेक्षक की सुरक्षा में रहेगा। सूत्रों के अनुसार जीते हुए विधायकों को कांग्रेस शासित दूसरे राज्यों में शिफ्ट किया जा सकता है। मंगलवार को बैठक में भाग लेने के लिए पहुंचे कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी देवेंद्र यादव से कैलाश विजयवर्गीय की उत्तराखंड में उपस्थिति पर सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि जिस तरह से भाजपा लोकतंत्र का मजाक उड़ाती है उसके लिए ये सब करना कुछ नई बात नहीं है, लेकिन हम स्पष्ट कर देना चाहते हैं कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा, उनको उचित समय पर उचित जवाब दिया जाएगा। वहीं बैठक में भाग लेने पहुंचे पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस चुनाव अभियान समिति के अध्यक्ष हरीश रावत ने कहा कि उत्तराखंड में इस बार जनादेश भाजपा के खिलाफ है, इसलिए भाजपा प्लान बी और प्लान सी की बात कर रही है। हमें ऐसा कुछ सोचने की आवश्यकता नहीं है क्योंकि हम पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बना रहे हैं। उत्तराखंड विधानसभा चुनाव के परिणाम आने में अब कुछ घंटे ही बचे हैं। ऐसे में सभी पार्टियां अपनी जीत का दावा करती नजर आ रही है, साथ ही एग्जिट पोल को लेकर अपनी प्रतिक्रियाएं भी दे रही है। वहीं इसी बीच एग्जिट पोल को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री हरीश रावत का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि कुछ एग्जिट पोल के निशर्कों ने उत्तराखंड के लोगों के माथे में शिकन डाल दी है। लोगों को लग रहा है कि उनका वोट परिवर्तन के पक्ष में था तो ये भाजपा कैसे फिर से सत्ता में वापसी कर रही है। उन्होंने कहा कि कहीं दूर दूर तक भाजपा सत्ता में वापसी नहीं करने जा रही है, एक माइंड गेम सत्तारूढ़ दल के इशारे पर खेला जा रहा है। एग्जिट पोल है, हम जनता के दिल के भावों को जानते हैं और जनता ने कांग्रेस के पक्ष में दिया है और परिवर्तन के लिए वोट दिया है। बाकी जो है ये सब चीज़ें हैं और फिर एग्जिट पोल को स्पष्ट तौर पर उन्हीं में कितना बड़ा अंतर है,
एग्जिट पोल जिन लोगों ने किए हैं उन्होंने ही अपनी संख्या में इतना बड़ा अंतर दे रखा है, तो उनको लेकर के मैं जो है कोई वो नहीं है। कांग्रेस स्पष्ट बहुमत के साथ आ रही है, लोगों ने परिवर्तन के लिए वोट दिया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर DIT यूनिवर्सिटी और दिव्य हिमनगरी के संयुक्त तत्वावधान में मातृशक्ति को सम्मानित करने का कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम के दौरान अपने अपने क्षेत्रों में उल्लेखनीय कार्य करने वाली 38 महिलाओं को सम्मानित किया गया। इसी कड़ी में राजनीतिक, सामाजिक और शैक्षिक क्षेत्र में अपना योगदान देने के लिए उत्तराखंड कांग्रेस की गढ़वाल मंडल मीडिया प्रभारी और प्रदेश प्रवक्ता गरिमा मेहरा दसोनी को भी सम्मानित किया गया। दसोनी ने दोनों ही संस्थाओं का आभार जताते हुए कहा कि इस तरह के कार्यक्रमों से समाज में और अच्छा कार्य करने की प्रेरणा मिलती है, साथ ही मनोबल में भी बढ़ोतरी होती है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर कर्णप्रयाग में विभिन्न संस्थाओं द्वारा विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम किए गए। सेवा इंटरनेशनल सिमली द्वारा वर्चुअल माध्यम से फ्यूली कॉथिक कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें चमोली और रुद्रप्रयाग जनपद के विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य कर रही 16 महिलाओं को स्मृति चिन्ह और प्रमाण पत्र देकर सम्मानित किया गया। महिला दिवस के मौके पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों के साथ साथ प्रतियोगी कार्यक्रम भी आयोजित किए गए। मुझे बुनाई से सम्मानित किया गया। क्या कहना चाहोगे? मैं इसमें सेवा इंटरनेशनल का धन्यवाद करना चाहूँगी कि जिसे उन्होंने इस उस पर हमको पहुँचाया, आज हमें हमारा रोजगार मिल रखा हमको। देखिए अरे नमस्ते, आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस सेवा 2015 से उत्तराखंड में रुद्रप्रयाग और चमोली जनपद में स्वास्थ्य और आजीविका संवर्धन और महिला विकास पर काम कर रहे हैं। 2016 से लेके हम ये अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को यहाँ का पारंपरिक जो फ्यूली कॉथिक रूप में मना रहे, जिसमें हमारे साथ जुड़े हुए सारी महिलाएं इसमें शामिल होते हैं। सेवा का जो 8 मंडल है जिसमें सेवा कार्यरत है 2 जनपद में, वो सारी 8 मंडल में सारी महिलाएं इसमें ये कार्यक्रम में जुड़े हुए हैं। 2016 से भव्य रूप से ये कार्यक्रम को सेवा इंटरनेशनल मना रहा था। पिछले 3 साल से जो कोविड का गाइडलाइन का तहत हम इसको वर्चुअल मोड में पिछले 2021 से कर रहे हैं। उत्तरकाशी महिला कांग्रेस कमेटी के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को बड़ी धूमधाम से मनाया गया, जिसमें सभी ने नारी उत्थान को प्रमुखता दी, साथ ही महिला सशक्तिकरण पर चर्चा की गई और भविष्य में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस को भव्य रूप से मनाने की भूमिका पर वार्ता की गई। इस मौके पर नगर पालिका अध्यक्ष रमेश सेमवाल कार्यक्रम के मुख्य अतिथि रहे, साथ में विशिष्ट अतिथि सम्मानित ग्लेशियर लेडी शांति ठाकुर, पालिका सभासद बुद्धि सिंह राणा, महावीर चौहान, देवराज बेस्ट, कविता जोगेला, सविता भट्ट और कमल रावत ब्लॉक अध्यक्ष भटवाड़ी मौजूद रहे। महिला दिवस के उपलक्ष्य में रामचंद्र उनियाल राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय की परीक्षा गृह में महिला प्रकोष्ठ और NSS के संयुक्त तत्वावधान में महिला दिवस के अनेकों कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रोफेसर सविता गैरलो के कर कमलों के माध्यम से हुआ। कार्यक्रम में भाषण, रंगोली और पोस्टर प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। कार्यक्रम के दौरान रुचि कुलश्रेष्ठ ने महिलाओं के अधिकारों के बारे में छात्र छात्राओं को अवगत कराया। डॉक्टर रमेश ने महिला सशक्तिकरण के बारे में अपने विचार रखे। वनस्पति विज्ञान के विभाग प्रभारी डॉक्टर MPS प्रमाण ने छात्राओं को महिलाओं उद्यमियों द्वारा महान कार्यों के बारे में अवगत कराया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर मुनि की रति क्षेत्र के ढालवाला स्थित एक वेडिंग सेंटर में विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया गया। ढालवाला में आयोजित कार्यक्रम में शहीदों की माताओं सहित शिक्षा, सामाजिक कार्य, खेल, पुलिस, योग आदि के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाली मातृशक्ति को अंग वस्त्र और स्मृति चिन्ह भेंट किया गया। इसी अवसर पर ढालवाला की पूर्व ग्राम प्रधान सरस्वती जोशी, नगर पंचायत मुनि की रेती की पूर्व सभासद शांति ठाकुर आदि महिलाओं ने सहभागिता निभाई। आज अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, 8 मार्च का दिन है और जो हमारे पीछे हैं लोग महिला दिवस मना रहे हैं और उत्तराखंड तो वैसे भी मातृशक्ति की देन है। इस उत्तराखंड को बनाने में हमारी मातृशक्ति ने अहम भूमिका निभाई है और हमारे साथ आज मौजूद है यहाँ पर महिलाएं जिन्होंने इस महिला दिवस को मनाया है। हर उस मातृशक्ति को सम्मान देने की कोशिश करी है जिसने इस समाज में कोई अहम भागीदारी निभाई है। तो हम बात करना चाहेंगे, हमारे साथ सरोजनी कैंतुरा जी यहाँ पर मौजूद है, उनसे बात करेंगे। आज महिला दिवस है, क्या कहना चाहेंगे समाज को संदेश?
देखिए मैं समाज को यह संदेश दूंगी कि प्लीज़ अपनी बेटियों को जरूर पढ़ाइए, अपने घर में जो महिला पीछे है उस महिला को आगे लाइए ताकि वो आगे बढ़ सके और महिलाओं को इतना सक्षम कीजिए कि वो आत्मनिर्भर बन सके और अपने परिवार को अच्छी तरह से चला सके। हमारे साथ मौजूद हैं ओम गोपाल रावत जी, हम आपसे बात करना चाहेंगे। बस यही है, आज महिलाएं किसी भी क्षेत्र में जो है पुरुषों से कम नहीं है, वो और स्वावलंबी बने। सरकार को ऐसी जो है नीतियां बनानी चाहिए कि उनको और मजबूत जो है बनाया जाए। और वैसे उत्तराखंड में तो हम लोग सौभाग्यशाली हैं क्योंकि यहां पर महिलाएं के जो उनका जो वर्क है उसी के आधार पर जो है आज उत्तराखंड टिका हुआ है। आज अगर उत्तराखंड में आप देखते होंगे पूरा पहाड़ पलायन कर चुका है, सिर्फ हमारी मात्र शक्ति है कि जो आज तक जो है पलायन रोके हुई हैं। तो हम लोग चाहेंगे कि गवर्नमेंट जो है महिलाओं के ओर और फोकस करे, उनके लिए स्पेशली जो है अलग से जो है पॉलिसी बनाए, नीति बनाए ताकि वो और स्वावलंबन बन सके। इस तरह आप देख रहे थे कि यहाँ पर हमारे साथ काफ़ी सारी महिलाएं मौजूद हैं। क्या कहना चाहेंगी आप सब उत्तराखंड की महिलाओं के लिए, क्योंकि उत्तराखंड महिलाओं की देन है? मैं तो महिलाओं के लिए यही कहना चाहूँगी कि आज की जो महिलाएं वो पुरुषों के साथ कंधा से कंधा मिला के चलती हैं, हर क्षेत्र में आगे हैं और वे अपने जो है अधिकारों के प्रति भी सजग रहें और अपने स्वास्थ्य के प्रति भी सजग रहें और अपने जो भी अधिकार हैं उनके हमेशा उस चीज़ की नॉलेज रखें और जो भी स्त्रियाँ मतलब इससे अनभिज्ञ हैं उन सबको जो है इसके बारे में बताएँ और सभी महिलाओं को आगे लाने का काम करें। आज सबसे पहले तो सभी मातृशक्ति की यहाँ उपस्थित जितने हमारी बहनें उनको शुभकामनाएँ और मैं ईश्वर से माँ गंगा से यही प्रार्थना करता हूँ कि हमारी जो भारत की संस्कृति जो महिलाओं से प्रतिपादित होती है, जो उनसे मतलब आइडेंटिफिकेशन जो है यहाँ की संस्कृति का, और ये संस्कृति पूरे विश्व में एक आदि शक्ति से लेकर आज जो बेटियाँ हर क्षेत्र में बड़ा बड़ा जो काम कर रही हैं, बड़े बड़े मुकाम हासिल कर रही हैं और निश्चित रूप से ये एक संस्कृति का दूसरा स्वरूप है। पहले जो है पूजा पाठ के रूप में उनको लिया जाता, आज संघर्ष के रूप में जो नारियां बेटियां आगे बढ़ रही हैं, निश्चित रूप से हम सब लोगों को इस बात से प्रेरित भी होना चाहिए और समाज के जो चिन्हित लोग हैं उन्हें भी इस चीज़ से सबक लेना चाहिए। धन्यवाद बहुत बहुत। तो पहाड़ टीवी भी आज महिला दिवस के अवसर पर उत्तराखंड की मातृशक्ति को नमन करता है। मैं ऋषिकेश से पहाड़ टीवी के लिए विनीता कुमार। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर देवाल के ब्लॉक प्रमुख डॉक्टर दर्शन दानू ने देवाल में सम्मान समारोह का आयोजन किया, जिसमें देवाल के सभी ग्राम प्रधानों, क्षेत्र पंचायत सदस्यों समेत जिला पंचायत सदस्यों के सहयोग से महिला मंगल दल को सम्मानित किया गया। साथ ही विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्य करने वाली महिलाओं को भी सम्मानित किया गया। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस पर आयोजित इस सम्मान समारोह में पद्मश्री पुरस्कार से नवाजी गई लोक जागर गायिका बसंती बिष्ट, मैथिली आंदोलन के प्रेरणा पद्मश्री कल्याण सिंह रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की। कुछ कई कार्यक्रम पर्यावरण पर थे, बांध जैसे उन पर थे, तो ये यहाँ के लोगों की एक भावनाएं जो व्यक्त कर रहे हो कि हमारे जो बांध के जंगल हैं, ये हमारे धन हैं, हमारी ये खेती जो है ये हमारी असली पूंजी है, हम इसे बचा कर रखेंगे। तो महिला दिवस पर जहाँ और जगह कुछ दूसरे किस्म के कार्यक्रम हो रहे हैं, लेकिन यहाँ पर धरती पर जुड़े हुए जो बच्चों ने अच्छे कार्यक्रम दिखाए, जो यहाँ पर आयोजकों के द्वारा जो एक इतना शानदार कार्यक्रम यहाँ पर किया गया है, ये वास्तव में प्रेरणा देने वाला है। और मैं आप यहाँ के सभी लोगों को, जो आयोजकों को, यहाँ की महिलाओं को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और शुभकामनाएँ देता हूँ। 8 मार्च को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है और पिछली बार भी हमने आयोजन किया था लेकिन सूक्ष्म रूप से किया था और पिछली बार सभी महिलाओं की भी अपेक्षाएं थी कि कार्यक्रम अच्छा होना चाहिए, व्यर्थ होना चाहिए। और इस बार हम सब लोगों ने, जो हमारे पंचायत के प्रतिनिधि हैं, हमारे क्षेत्र पंचायत के मेरे सहयोगी हैं और हमारे ग्राम प्रधानगण हैं, पुराने जनप्रतिनिधि हैं, सब लोगों ने कहा कि एक भव्य आयोजन होना चाहिए और जिसमें महिलाओं को, जो हमारे महिला मंगल दल हैं या तमाम क्षेत्रों में काम करने वाली महिलाएं हैं, उनका किस रूप से हम सम्मान करवाएं, किस रूप से उनकी प्रतिभाओं को निखार पाएं। और आज आप देख रहे हैं कि यहाँ पर हज़ारों की तादाद में महिलाएं यहाँ पर पहुँची हैं और जो अपने सांस्कृतिक कार्यक्रमों को, चाहे झोड़ा हो, चांचली हो, मांगल हो, जो हमारे यहाँ के लोग गीत हैं, लोग नृत्य हैं, उनको लेकर एक संदेश देने का काम कर रहे हैं। और साथ ही साथ हमने आज एक नई पहल शुरू की है, जो हमारे पूरे देवाल विकासखंड में कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य कर रही हैं। अभी आपने देखा कि हमारी बांक की पुष्पा देवी, जो सब्जी उत्पादन के क्षेत्र में मुझे लगता है कि पूरे चमोली में एक प्रसिद्ध महिला है, उनको हमने आज सम्मानित करने का काम किया। आपने देखा कि जो हमारी रैन की महिला है, जो आँखों में अगर कुछ धूल कंकर चले जाए उसको निकालने का काम करती है, जो जहाँ डॉक्टर भी फेल हो जाते हैं लेकिन अगर उनके पास से कोई
लौटता नहीं है, एक दुख के साथ लौटता नहीं है बल्कि खुशी के साथ लौटता है। हमने अनेकों महिलाओं को सम्मानित करने का काम किया है और आने वाले समय में जो हमारी महिलाएं प्रतिभावान हैं, जो हमारे यहाँ से निकल कर आगे बढ़ रही हैं, उनको भी हम सम्मानित करने का काम करेंगे। क्योंकि आज महिलाएँ देश के राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री से लेकर लोकसभा स्पीकर से लेकर तमाम जगह महिलाएँ अपना स्थान कहीं ना कहीं बहुत अग्रणी भूमिका में रखते हैं। आज महिलाएँ हवाई जहाज चला रहे हैं, आज महिलाएं कहीं पीछे की पंक्ति में नहीं है, कहीं बीच की पंक्ति में नहीं है, बल्कि प्रथम पंक्ति पर खड़े होकर डटकर सामना करने का काम कर रही हैं। और मैं इस अवसर पर संपूर्ण महिलाओं को बहुत बहुत शुभकामनाएं देना चाहता हूं। बागेश्वर की ग्राम सभा भेटा गूंट में बैठक होली का दौर जारी है। प्रत्येक दिन रात के समय सभी ग्रामीण अपने अपने घरों से आकर बैठक होली के आयोजन स्थल पर एकत्रित हो रहे हैं। साथ ही मध्य रात्रि तक होली का आनंद ग्रामीणों द्वारा लिया जा रहा है। आपको बता दें कि खास होली के लिए कतूर भर में प्रसिद्ध बेटागुंड में बैठक होली की शुरुआत बसंत पंचमी के दिन से ही हो जाती है, जहां ग्रामीण प्रत्येक दिन बारी बारी अपने अपने घरों में बैठक होली का आयोजन करते हैं। दिन भर काम धंधे की थकान के बाद भी रात के समय होली के लिए ग्रामीण पूरे उत्साह के साथ एकत्रित होते हैं। उत्तरकाशी जिलाधिकारी मयूर दीक्षित ने बताया कि विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 के चलते जनपद क्षेत्रांगत धारा 144 लागू है, जो 12 मार्च या जब तक कि यह आदेश वापस न लिया जाए तब तक प्रभावी रहेगी। जिला मजिस्ट्रेट ने कहा है कि धारा 144 के अंतर्गत जनपद सीमा में कोई 5 या उससे अधिक व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित नहीं होंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ तक लाठी, डंडा, स्टील, चाकू, हॉकी, भुजाली, खुंखरी, तलवार, गोला, बारूद आदि डराने धमकाने वाली वस्तुएं साथ लेकर नहीं चलेगा। कोई भी व्यक्ति या दल आदर्श आचार संहिता उल्लंघन संबंधित कृत्य, सांप्रदायिक भावना भड़काने वाले कृत्य, सार्वजनिक स्थानों पर पुतले जलाने और विरोध प्रदर्शन, बिना अनुमति के बैठक और जुलूस, पॉलिथीन और अन्य प्रतिबंधित सामग्री का प्रयोग आदि कार्य नहीं करेगा। उधम सिंह नगर जनपद के सीमांत क्षेत्र खटीमा के चांदा गांव के पास एक तेज रफ्तार कार रेलवे क्रॉसिंग के पास तालाब में गिर गई। चीख पुकार मचने पर आसपास के लोग मौके पर पहुंचे और चारों कार सवारों को कार से बाहर निकाल गनीमत रही कि समय रहते सभी को निकाल लिया गया, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। उत्तराखंड की तमाम बड़ी खबरों में फिलहाल इतना ही। बाकी खबरों के लिए देखते रहिए पहाड़ टीवी। नमस्कार। है बेखौफ उम्मीद का रंग, है आस्था भी, ये है मेरा उत्तराखंड।